बिहार में बुधवार की दोपहर पुलिस एनकाउंटर में तीन बदमाशों को गोली लगी। घटना मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने लुटेरों की गाड़ी को रोका तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग की, जिसमें बदमाशों को गोली लगी। मौके से एक कार्बाइन, दो पिस्तौल और 9 लाख कैश बरामद किए गए। सभी घायल अपराधियों का इलाज SKMCH में चल रहा है। मौके पर SSP SP पूर्वी समेत कई अधिकारी कैंप कर रहे हैं। DSP पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कांटी में माइक्रो फाइनेंस लूटकांड के आरोपी सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में एक तरफ हो रहे हैं। इसी दौरान आ रही बोलेरो गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली थाने की गाड़ी पर भी लगी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। घायल अपराधियों की पहचान संतोष दास, रसीद डेविड और कौशल दास के रूप में की गई है। गौरतलब है कि 5 जून 2023 को कांटी क्षेत्र स्थित अस्पंदन माइक्रो फाइनेंस से 27,22,000 रुपए की लूट हुई थी। इसमें पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इसमें साहिबगंज थाना क्षेत्र के नितेश, हथौड़ी थाना क्षेत्र के ललित सैनी और अड़ाई थाना क्षेत्र के भरत पंडित के रूप में हुई थी। अन्य अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही थी। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश सिवाई पट्टी थाना इलाके में जुट रहे हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची। पुलिस की गोली से घायल रसीद डेविड इस लूटकांड का मास्टरमाइंड है। कांटी थाना अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व में स्पंदन माइक्रो फाइनेंस में एक लूट की घटना घटित हुई थी 5 जून को। उसमें एक SIT बनाई गई थी पश्चिमी DSP साहब के नेतृत्व में। उस SIT में कांटी के थानाध्यक्ष थे, मोदीपुर के थानाध्यक्ष थे और DIU की टीम भी थी, उनके प्रभारी सुजाउद्दीन थे। ये टीम इस पूरे केस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसी आलोक में कल देर शाम को 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसकी प्रेस वार्ता आज सुबह की गई है। आप लोगों को उसकी जानकारी दी गई थी। 3 लोग कल भागने में सफल हो गए थे एक बोलेरो से। उसकी गिरफ्तारी के लिए ये टीम लगातार प्रयासरत थी। आज दिन में लगभग 11 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई जो पूर्वी DSP हैं श्री मनोज पांडे उनको, कि जो 3 अपराधकर्मी हैं भागे हुए सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में हैं, उनकी घेराबंदी उनकी टीम के द्वारा की गई। SIT के जो सदस्य थे वो भी शामिल थे। घेराबंदी के दौरान जब उनकी बोलेरो को रोका गया तो उन्होंने रुकते ही सहज जो है पुलिस के ऊपर फायर किया और गाड़ी से उतर के भागने का प्रयास किया, और भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर लगभग 10 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने भी उनको चेतावनी दी और आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, उनको रोकने के लिए बोला गया। तीनों ही अपराधकर्मी को बुलेट इंजरीज हैं, जिसमें से एक अपराधकर्मी डेविड और प्रासिद हैं जिनको 2 गोलियां लगी हैं। बाकी के 2 अपराधकर्मी हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम संतोष है, उनको 1 गोली लगी है और एक अन्य अपराधकर्मी है उनको भी 1 गोली लगी है। तीनों ही अपराधकर्मी अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं। डॉक्टर्स के अनुसार वो खतरे से बाहर हैं। इनके पास से कार्बाइन बरामद की गई है, लगभग 12-13 राउंड जिंदा गोलियाँ बरामद की गई हैं, 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। लूट की राशि में से लगभग 9.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और माइक्रो फाइनेंस का एक लैपटॉप भी था जो उनके द्वारा लूटा गया था। सूचना हम लोग को मिले थे कि कांटी में जो लूट कांड हुआ है, स्पंदन माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में जो लूट हुआ है, उस लूट कांड के फिरार जो अपराधकर्मी हैं उनके लोकेशन के संबंध में हम लोग को सूचना मिली थी। सिवाय पट्टी थाना क्षेत्र में हम सभी लोग एकत्र हुए थे। इसी क्रम में जब सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को हम लोगों ने रोकने का इशारा किया, इसी क्रम में सामने से फायरिंग हुई। पुलिस कर्मियों के द्वारा भी, हमारी पूरी टीम के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग किया गया, आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया गया है। इस क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गोली लगी है। 3 हथियार रिकवर हुए हैं, 1 कार्बाइन 2 पिस्टल रिकवर हुआ है, 20 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा लूटे गए पैसों में से 9,31,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। साथ ही स्पंदन माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में लूटा गया लैपटॉप भी हम लोगों ने बरामद किया है। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।